क्या नाम है आपका? मेरा कोहिनूर नाम है। अच्छा, ये कौन सी जगह लगती है जहाँ? सराय जंक्शन लगता है ये। क्या समस्या आई है? समस्या ये है कि 4-5 दिन पहले नगर निगम ने हम लोगों को नोटिस दिया कि ये 3 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए। अच्छा। तो अब हम ऐसी जाड़े में खाली करके कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम 50-60 साल से यहाँ पे हमारे पूर्वज रह रहे हैं, हमारे आदमी की भी डेट यहाँ पे हुई है। हम ये सब लोग बेवा औरतें हैं, सुबह वो कमाने जाते हैं, शाम तक के लिए पेट के लिए कमा के लेके आते हैं। तो ऐसे में हम कहाँ खाली करके चले आएंगे? अब हम किराया देते हैं नगर निगम को और आगे भी देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम हमसे किराया ले, जैसे लेता चला आ रहा है और जैसे हम लोग रहते चले आए वैसे रहें। अब ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे खाली करके? ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना जगह है, ना कोई और सहारा है, कहाँ जाएंगे हम ऐसे? हम अपने बच्चों को ऐसी ठंड में लेके कहाँ जाएंगे? हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही हम रहते चले आए और नगर निगम हमसे जो किराया मांग रहा है वो किराया हम देंगे नगर निगम को। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ 50 साल होगा रहते हुए। 50 साल रहते हुए कितना किराया देती नगर निगम? पहले तो कम था, अब 130 रुपए देते हैं। बढ़ाना चाहते हैं वो? हम पहले भी बढ़ा चुके हैं किराया, 2 साल पहले बढ़ा चुके हैं। मेरा आदमी भी नहीं है और मैं ठेला लगाते थे हम लोग, वो ठेला भी उन्होंने ने हमारे नगर निगम क्या कहकर कह रहे हैं? नगर निगम ये कह रही है 3 दिन के अंदर खाली कर दो मकान। तो बताइए कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चे लेके, और हम क्या करें, क्या खाएंगे और क्या कैसे रहेंगे इतनी ठंड में, इस कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे कोरोना काल? नगर निगम ने जो खाली करने के लिए कहा तो जमीन को क्या बताया, किस तरह की जमीन है? नगर निगम की जमीन है, नगर निगम की जमीन है। अवैध कब्जे कर रखे हैं आप लोगों ने। आप लोग जो है यहाँ से निकलिए, खाली करिए, कहीं जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है उन्हें हम लोगों से। और हम इतनी गरीबी में काट रहे हैं, हमारे आदमी रिक्शा ठेले वाले हैं। अब आप लोग हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाएं ऐसी गरीबी में? लॉकडाउन पे अभी जूझे हैं हम लोग, अभी निकल के बाहर नहीं आए। और सरकार जो है हमारा भला करने के बजाय और हमसे ये कह रहे हैं नगर निगम वाले कि आप लोग जाइए यहाँ से, हम कैसे चले जाएं आप ये बताइए। इतनी टाइम में कहाँ हम लोग रह चुके हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, रहते चले आ रहे हैं। अब अचानक में कोई आगे हमसे कहता घर खाली करो, ये नगर निगम की जगह, हम कैसे चले जा? हाँ बताइए। लोग रहने के लिए जगह दी, हम ये खाली नहीं करेंगे। जगह रहने के लिए देंगे तो हम खाली कर देंगे, किराया दे रहे हैं तो हम फिर हम खाली क्यों करें? जब भी आते हैं कि इतने पैसे तो उतने पैसे तो देते हैं हम, अब कमाने खाने के लिए इतने नहीं, फिर किराए के लिए कहाँ से बढ़ा देते हैं किराया? फिर जंक्शन सराय है, सराय में रहते हैं हम लोग, और हम लोग गरीब इंसान है और हम यहाँ रह रहे हैं 50 साल से, और 50 साल से रह रही, और ये हम किराए भी जा रहा हमारा हर कुछ मतलब यहाँ से हमारा किराया जा रहा। लेकिन यहाँ से हमें निकालने की बात करें तो, लेकिन हम निकलेंगे कैसे? किराए जब दे रहे तो हमें क्या महीन का मसला वो करे, लेकिन हम तो किराए ही दे रहे हैं तो इससे क्या इनके मतलब वो है बताओ। यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 80 मकान है और सब बेरोज मतलब रोज के खाने पीने वाले हैं, ठेला मजूरा हैं, मिस्त्री हैं, ठेला चलाने वाले हैं, और कई सालों से रह रहे हैं, आपसे नहीं कभी 60-70 सालों से यहाँ पूर्वज रह रहे हैं, हमारे बाप दादा यहीं पर रहते हैं और हम लोग किराया भी देते आए हैं। तो मेरा नगर आयुक्त से कहना ये है भाई कि हम गरीब लोग हैं, जहाँ मोदी जी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी लोगों को बसाने का काम करते हैं, लोगों को आवाज़ बांटने का काम करते हैं, तो वहाँ लोगों से आप नगर मकान कैसे छीन सकते हो? ये गरीब लोग हैं, झोपड़ी वाले, इनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कोई वजूद नहीं है हमारा। अगर आप हमें यहाँ से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पर आएंगे। हमारा नगर आयुक्त से कहना ये है अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अनशन पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने बच्चों के साथ हम रात दिन एक कर देंगे, क्योंकि हमारी छत जाएगी तो समझ लो वहाँ सब कुछ चला जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये, हम गरीब लोग हैं साहब, हमें यहाँ पे रहने दिया जाए जिस तरीके से हम रहते हुए आ रहे हैं, और जो लोग किराया दे रहे हैं जिन मकानों का किराया जा रहा है हम वैसी किराया देने को तैयार हैं, और जिनका किराया नहीं बना हुआ है वो भी बहुत टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर, आपसे नहीं कभी 60 साल से रह रहे हैं, हम इसके प्रमाण साबित कर सकते हैं कि हम कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर। हम ये चाहते हैं उनका भी किराया बांधा जाए। हमारा हाथ जोड़ के नगर निगम से अनुरोध है कि हमारा आप किराया जैसे लेते आ रहे हैं वैसे लेते रहिए और हमें बेघर मत करिए। 85 साल हो गए हमारे बाप दादा सब यहीं ख़त्म हो गए और हमारी जन्म यहीं का हुआ है, और जब तो आपको भी नोटिस मिला है? जी हमें भी नोटिस मिला है। अब ये बताइए, नोटिस हमें दे दिया, अब 3 दिन का टाइम दिया साहब, ये नोटिस लीजिए और 3 दिन में आप ये खाली करके जाइए, कहाँ जाएँ ये बताइए आप हमें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ में और टेम्पो चलाने वाले हैं हम, अब ये बताइए हम जाएँ कहाँ भाई? हमारे जो व्यवस्था जैसे लोग और झुग्गी वाले हैं हमारे, अगर नहीं बना है किराया वो आप मुनासिब किराया बांध लो ताकि हम दे सकें, और इतनी आमदनी तो है नहीं, लॉकडाउन में ही आदमी खराब है, काम धंधे से बैठा पड़ा है आदमी, परेशान है, कारोबार नहीं है, कारोबार भी सब ठप है। मेरे 2005 में मेरे प्रागढ़ का ट्रेन थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
निगम ने नोटिस दिया है साहब, देखिए पैर खड़े हुए, देखिए साहब ट्रेन से पैर खड़े हुए मेरे दोनों, मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। और हम लोग ने कमरे लिए हैं, किराया देते हैं हम लोग हर साल, 5 महीने 6 महीने में आते हैं पैसे लेने, लेके जाते हैं, हाँ रसीद देते हैं। और ये बेचारे बीच में हैं, इनका भी आप किराया बांधी है, ये भी किराया देंगे, मगर आप कह रहे हो 3 महीने में 3 दिन में खाली करो, कैसे आप कहाँ नहीं जाएगा, नहीं वैसे ही हैं, वैसे बने हुए हैं, कैसे बने चले आ रहे हैं, मनपन नहीं हुई है। और पब्लिक अपना पैसा लगाती है, खाली पैसे लेने आती है, हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, छत गिर जाती हैं, हम मरम्मत करवाते हैं, सब पैसा अपना लगाते हैं, वो कुछ नहीं, पानी पत्ती सब हम देखते हैं, वो खाली पैसे लेके चले जाते हैं बस, और धमकी देते हैं हम लोगों को, पैसे नहीं दो खाली करवा।